नमस्कार। चीन में एक बार फिर से अज्ञात बीमारी का डर बैठ गया है, जिसे एक तरह का निमोनिया बताया जा रहा है। ये बीमारी खास तौर से बच्चों को निशाना बना रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए WHO ने चीन को इस बीमारी के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट को शेयर करने के लिए कहा है। खास तौर से इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी वायरस और माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के साथ साथ बाकी सभी पैथोजेंस के बारे में जानकारी मांगी है, जो इस समय चीन में फैल रहे हैं। इसके साथ ही WHO ने देश की हेल्थ सिस्टम पर अचानक से निमोनिया के बोझ का भी विवरण मांगा है। बताया जा रहा है कि बीजिंग में बच्चों के अस्पताल में अचानक भीड़ बढ़ गई है। बच्चों में तेज बुखार और फेफड़ों में गांठ जैसे लक्षण सामने आए हैं। यहाँ ये साफ नहीं हो पाया है कि इस प्रकोप की शुरुआत कब हुई। हालांकि इतने सारे बच्चों का इतनी तेजी से बीमारी की चपेट में आना हैरान करने वाला है। उधर सोशल मीडिया पर चीन की जो वीडियोस आ रही हैं, उसने लोगों को एक बार फिर से डरा दिया है। डर की बात ये है कि 2019 में COVID-19 भी इसी मौसम में शुरू हुआ था, जिसने अगले 3 से 4 महीने में पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उस वक्त भी चीन यही कह रहा था कि ये आम बीमारी है, चिंता की कोई खास बात नहीं है। लेकिन चीन के ये सारे दावे खोखले निकले और उसके झूठ की कीमत पूरी दुनिया ने चुकाई थी। और तो और, भारत के साथ साथ लगभग हर देश की सरकारों ने भी पूरी तैयारी होने का वादा किया था, लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई थी। इस बार भी चीन और दुनिया भर की सरकारों का ऐसा ही दावा है। चीन की तरफ से ये भी तर्क दिए जा रहे हैं कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद साइड इफेक्ट्स हो सकता है। पिछले साल जब अमेरिका में लॉकडाउन हटाया गया था, तो बच्चों में सांस से जुड़ी बीमारियों में अचानक से इजाफा देखने को मिला था। वजह ये है कि लॉकडाउन में बीमारियों का फैलना रुक जाता है और उसके खुलने पर तुरंत कुछ वायरस स्प्रेड होने लगता है। जब लॉकडाउन खुलता है तो इस तरह की बीमारियां तेजी से फैल जाती हैं, और ऐसा लगभग हर देश में देखा गया है। भारत में भी जब लॉकडाउन खोला गया था, तो लोगों में इन्फ्लुएंजा और सांस से जुड़ी हुई कई बीमारियां तेजी से फैल गई थी। WHO का भी कहना है कि इस बीमारी में महामारी जैसे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। ये राहत भरी बात है, लेकिन चीन पर दुनिया भर में अब किसी को भी उतना विश्वास नहीं रह गया है जितना COVID-19 से पहले के युग में हुआ करता था। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने इस बीमारी को गंभीरता से लिया है और इसके लिए सभी स्टेट और हेल्थ सिस्टम को अलर्ट दिया गया है। राहत भरी खबर ये भी है कि इस बीमारी का ऐसा कोई भी केस अभी तक दुनिया के किसी दूसरे शहर में नहीं पाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम असावधान हो जाएं। कोविड ने एक बात तो हमें ये सिखा ही दी है कि किसी भी बीमारी को डर से नहीं बल्कि सावधानी से ही उसका सामना किया जाना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।